नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। महिलाओं की एक टीम दिखाई दे रही है। ये टीम रीवा में कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक बार फिर से सतरंगी मेला लगाने जा रही है। आज बात इसको लेकर, जिस तरीके से कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में ये टीम ने पिछली बार एक बेहतर मेला लगाया था, उससे बेहतर लगाने की इस बार तैयारी है, उसकी तैयारियां लगातार जारी हैं। आज इनसे बात करूंगा, किस तरीके से मेला होगा, इस बार मेले में क्या कुछ खास होगा, कहां से लोग आएंगे, तमाम बातें विस्तार से जानने समझने की कोशिश करूंगा। क्या है मेले में इस बार खास? मैं शिवांगी अग्रवाल, क्लब प्रेसिडेंट। इस बार हम लोगों ने दो एनजीओ को वो दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है कि वो अपनी जगह का, अपने वहाँ पे जो सामान बनाते हैं वो वहाँ लेकर आए, उसे बेहतर तरीके से वहाँ प्रेजेंट करें और उनके लिए एक अच्छा रोज़गार है जो कि उनकी पढ़ाई के लिए और आगे के लिए उसमें काम आएगा। बताइए, इस सतरंगी 2O में कई स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जो कटनी, भोपाल और सतना से भी स्टॉल आ रहे हैं। इसमें एनजीओ के भी दो स्टॉल दिए गए हैं, जो मिट्टी से बने हुए खिलौने, बर्तन भी लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर कला को निखारने के उद्देश्य से राखी की थाली की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खास तौर पर उसमें हम लोगों ने रेशम की राखी के लिए इम्पोर्टेंस दी कि आप सभी इस प्रतियोगिता में अनिवार्य है कि आप रेशम की राखी बनाएं और अनाज से थली साजी का प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करें। नमस्कार, मैं खुशबू पोदार। जैसे कि नाम दिया है, इनरवीन सतरंगी मेला 2.0, और ये रक्षाबंधन और तीज स्पेशल है, तो आने वाले त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे राखियाँ भी हैं, त्योहारों के लिए लेडीज़ के लिए ज्वेलरी, साड़ियाँ और विभिन्न प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें मन भी लुभाएंगी और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित, जो हमारे स्टॉल्स वाले हैं वो भी प्रेरित होंगे अगर वो सामान खरीदेंगे तो। नमस्कार, मैं रुचि मिश्रा। ये जो सतरंगी मेला है, मैं चाहती हूँ कि पूरे शहरवासी आएँ। सबसे ज़्यादा अपील कर रही हूँ कि सब लोग आएँ और मेले को सफल बनाएँ। आपने सब कुछ बता दिया लेकिन तारीख नहीं बताई, मेला कब लगाएंगे। इस बार सबसे खास बात मेले की ये होगी, मेला सावन के महीने में लगाया जा रहा है। सावन का महीना, इसका सीधा सा अर्थ है त्यौहार, भाई बहन का पवित्र त्यौहार तीज। उस महिलाओं पर ये खास तौर से मेला फोकस होगा। कब लगेगा, कहाँ लगेगा और भी तमाम बातें मैं जानने समझने की विस्तार से कोशिश करूंगा। बताइए। नमस्कार, मैं सुचि जागरवाल, सेक्रेटरी ऑफ इनरवीन क्लब। ये सतरंगी मेला हमारा कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में 12 अगस्त और 13 अगस्त को लगाया गया है। इस ये रक्षाबंधन स्पेशल है, इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि सब तरह के स्टॉल्स हमने कवर करने की कोशिश की है और सभी तरह के व्यापारियों को, छोटे बड़े व्यापारियों को इसमें हमने इस बार मौका दिया। ये विशेषता है इस बार की, जैसे सीढ़ी के पास गुड़ गाँव में एक खिलौने का व्यापारी है, बस जमीन में मिट्टी के अपने हाथ से लकड़ी के खिलौने बना के बेचता है, लोग उसकी चीज़ों के बारे में नहीं जानते। इस बार हमने उन्हें भी मौका दिया है कि वो आकर अपना स्टॉल लगाएं, लोग उसके बारे में जानें और वो अपनी आमदनी कर सके यहाँ पे। नमस्कार, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल, क्लब ISO। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इस सतरंगी मेला में पिछली वर्ष की भांति इस बार भी हमने कुछ व्यापारियों से सहयोग लिया है, जो व्यापारी हमें बढ़ चढ़ कर सहयोग करते हैं साल भर। इस बार भी हमें हनुमान ज्वेलर्स ने फंड के रूप में सहयोग किया है, साथ ही साथ मिनर्वा हॉस्पिटल, फर्स्ट क्राई स्कूल और अपना टम्बल ड्राई ड्राई क्लीनर, और साथ ही साथ हमारे छोटे व्यापारी भी हैं जिन्होंने हमें काफ़ी सहयोग किया है और मार्केट के विशिष्ट व्यापारी हैं, अग्रवाल अगरबत्ती, रीवा ड्रेसेस, बिग बी शूज़, ड्रिंक्स एंड डाइन रेस्टोरेंट और प्रार्थना हॉस्पिटल ने भी हमें सहयोग किया है। साथ ही साथ हमने वहाँ पे खान पान का भी आयोजन किया है, वो हमारे अर्बन ग्रिल बाय स्वयंवर से हो रहा है, इन्होंने भी हमें फंड के रूप में काफ़ी सहयोग किया है। नमस्कार, मैं अंजू द्विवेदी, इनरवील की मैं एडिटर हूँ। हम लोग ने इस क्लब के माध्यम से महिलाओं के समुचित विकास के लिए, औद्योगिक उत्थान के लिए प्रयास किया है कि महिलाएं आगे बढ़ें, अपने पैरों पर खड़ी हों, और हमारा सभी शहरवासियों से ये अनुरोध है कि आप लोग आइए मेला में, देखिए कि हम लोग की कोशिश कैसी रही और उस कोशिश को सफल बनाइए। न्यूज नेटवर्क की टुडे की टीम भी अपने दर्शकों से, जो इस समय हमको देख पा रहे हैं, उनसे अपील करती है, इन महिलाओं की जो भी मेहनत है उसको सार्थक करने के लिए आपको केवल इतना करना है, दो दिन कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम आना है, अपनी मनचाही सामान को आपको खरीदना, त्यौहार का सीजन है, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खरीदते हैं, उस मेले से खरीदें, वहाँ के व्यापारियों को लाभ होगा। जैसा कि अभी इस टीम ने एक बड़ी बात बताई, मिट्टी के बर्तन बनाने वालों को बुलाया गया है, रेशम की
राखी बनाने वालों का वहाँ पर एक प्रतियोगिता का भी आयोजन है। एक प्रतियोगिता देखिए, मिट्टी के बर्तन खरीदिए, उनकी रोजी रोटी का इंतज़ाम करिए जो इन महिलाओं की मेहनत को भी सार्थक करेगा। अगर आपने इतना छोटा सा काम कर लिया, आज के लिए इतना ही। हम जब मेला होगा वहाँ पर चलेंगे, मेले की गतिविधियों को भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त।